वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसलेट अ प्रोपोजिशन इनटू लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है ट्रांसलेट प्रोपोजिशन इनटू लॉजिकल कनेक्टिव से क्या मतलब। इससे पहले हमारे पास जो इससे पहले वाला आप कह लें जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि लॉजिकल कनेक्टिव हमारे पास हो तो उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास इंग्लिश में स्टेटमेंट है तो उसको हमने लॉजिकल कनेक्टिव के अंदर कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इसको इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल दी गई जिसके अंदर प्रोपोजिशन पी है इट इज बिलो फ्रीजिंग और क्यू है इट इज स्नोइंग। दो प्रोपोजिशन है इट इज बिलो फ्रीजिंग और इट इज स्नोइंग। राइट दीज प्रोपोजिशन यूजिंग पी एंड क्यू एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। यानी हमें वो कह रहे हैं पी क्यू को यूज करें और लॉजिकल कनेक्टिव की फॉर्म में इसको लिखें इंक्लूडिंग निगेशन, कि जहां पे निगेशन है निगेशन भी। अब लॉजिकल कनेक्टिव वो हमें यहां पे कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे हम इसको यूज करेंगे पी क्यू के साथ, यानी ये हमारे पास कंजंक्शन है, कहीं पे हम डिसजंक्शन यूज करेंगे, कहीं पे इंप्लीकेशन यूज करेंगे, कहीं पे हम बाई कंडीशनल यूज करेंगे, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा। यहां पे लिखा हुआ है इट इज बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग। एंड का हमारे पास आप कह लें कि ऑपरेटर यहां पे यूज हो रहा है। अब इट इज बिलो फ्रीजिंग, इट इज बिलो फ्रीजिंग तो पी है हमारे पास, मैंने लिख दिया तो पी है, उसके साथ एंड का वर्ड शो हुआ, एंड का वर्ड लिखा हुआ है, मैंने एंड को कंजंक्शन से रिप्रेजेंट किया, एंड स्नोइंग इट इज स्नोइंग, स्नोइंग क्या क्यू, तो पहले वाला क्या हो जाएगा पी कंजंक्शन क्यू, ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये हमने कह लें कि एक हमारे पास प्रोपोजिशन थी जिसको हमने ट्रांसलेट कर लिया इनटू लॉजिकल कनेक्टिव। सेकंड पढ़ते हैं क्या बी पार्ट, इट इज बिलो फ्रीजिंग बट नॉट स्नोइंग। बट का वर्ड यूज हो रहा है। अब ये जो बट का वर्ड है ना, एंड और बट ये दोनों कंजंक्शन को ही शो करते हैं। एंड का वर्ड भी कंजंक्शन को शो करता है, बट का वर्ड भी कंजंक्शन को शो करता है। तो लिखा हुआ इट इज बिलो फ्रीजिंग यानी पी वाली स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख देता हूं पी, उसके साथ क्या बट का वर्ड है, बट के वर्ड को हम ऐसे ही कंजंक्शन से शो करेंगे। उसके बाद लिखा है नॉट स्नोइंग, स्नोइंग तो क्यू है, क्यू है इट इज स्नोइंग, यहां पर लिखा है नॉट स्नोइंग, हम नॉट के लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे और फिर क्यू लिख देंगे इस तरह से। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट को हमने ट्रांसलेट कर लिया। तीसरी वाली में देखें अब क्या लिखा है सी पार्ट में, इट इज नॉट बिलो फ्रीजिंग। पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, इट इज नॉट बिलो फ्रीजिंग, इट इज बिलो फ्रीजिंग तो पी है, अब लिखा है इट इज नॉट बिलो फ्रीजिंग यानी ये हमारे पास निगेशन पी है, इसको हम ऐसे ही कहेंगे ना कि निगेशन पी है ये। उसके बाद एंड का वर्ड यूज किया गया, एंड के वर्ड को हमें पता है हम कंजंक्शन के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर लिखा गया इट इज नॉट स्नोइंग, क्यू तो है इट इज स्नोइंग, अब इट इज नॉट स्नोइंग आ गया, इसका मतलब निगेशन क्यू है ये, हम ऐसे ही निगेशन का साइन डालेंगे और यहां पे क्यू लिख देंगे, ये भी ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज आइदर स्नोइंग और बिलो फ्रीजिंग, इट इज आइदर स्नोइंग और बिलो फ्रीजिंग, और का वर्ड यूज हो रहा है और पहले क्या यूज हो रहा है इट इज आइदर स्नोइंग यानी इट इज स्नोइंग, तो हम क्या करेंगे पहले ये यूज हो रहा है हम करेंगे क्यू, और का वर्ड यूज हो रहा है डिसजंक्शन का साइन यूज करेंगे, और बिलो फ्रीजिंग पी यूज हो रहा है तो हम इसको क्यू डिसजंक्शन पी इस तरह से लिख देंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग देन इट इज आल्सो स्नोइंग। क्या यूज हो रहा है यहां पे, इफ भी यूज हो रहा है देन भी यूज हो रहा है, हमें पता है इफ और देन तो इंप्लीकेशन में यूज होता है। अब लिखा हुआ है इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग, इफ का वर्ड है ये पता लग गया कि इंप्लीकेशन आना है। अब इट इज बिलो फ्रीजिंग यानी पी वाली स्टेटमेंट है, पी है ना इट इज बिलो फ्रीजिंग, पी लिखा उसके साथ इंप्लीकेशन का साइन आया, देन इट इज आल्सो स्नोइंग यानी क्यू, पी इंप्लीकेशन क्यू, अगर हम इसको पढ़ेंगे यही बनेगा ना, पी वाली से पहले इफ लिखते हैं, इसका मतलब इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग देन इट इज स्नोइंग, तो यहां पर यही लिखा है इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग देन इट इज स्नोइंग, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद एफ वाला पार्ट, Either it is below freezing or it is snowing, but it is not snowing if it is below freezing. काफी लंबी सी प्रोपोजिशन बन गई है। अब यहां पे देखें either का वर्ड यूज हुआ है, हमने कहा था either जो है ना वो ब्रैकेट्स के अंदर अक्सर चीज लिखी जाए उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, either it is below freezing, तो हम यहां पे मैं यहां पे लाइन लगा के ना लिखता हूं इसकी एक्सप्रेशन, बनाते हैं कि बनती क्या है, कोशिश करते हैं बनाने की। इट इज बिलो फ्रीजिंग, आइदर इट इज बिलो फ्रीजिंग और का वर्ड यूज हो रहा है, इट इज स्नोइंग, फिर कॉमा आ गया,
पहले हम इसको लिखते हैं, अब कैसे लिखेंगे, आइदर इट इज बिलो फ्रीजिंग और इट इज स्नोइंग। बिलो फ्रीजिंग है पी, मैं एक ब्रैकेट लगाता हूं, आइदर का वर्ड है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, ब्रैकेट में पी लिख दिया, और का वर्ड यूज हुआ, मैंने यहां पर डिसजंक्शन का साइन लगा दिया, और इट इज स्नोइंग, स्नोइंग क्या क्यू, यहां पे मैंने ऐसे क्यू बना दिया, ब्रैकेट बंद, ये तो मैंने लिख लिया। उसके बाद लिखा हुआ बट, बट का वर्ड तो मुझे पता है डिसजंक्शन को शो करता है, क्योंकि एंड और बट हमने कहा डिसजंक्शन को शो करता है, मैंने यहां पे इस तरह से लिख दिया। फिर लिखा हुआ है इट इज स्नोइंग इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग, इट इज स्नोइंग इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग, इफ का वर्ड यूज हो रहा है इट इज बिलो फ्रीजिंग, ठीक है। तो अब देखें इट इज स्नोइंग इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग, ये तो हमें पता है कि यहां पे अब इंप्लीकेशन यूज होगा, लेकिन अब हमारे ज़हन में ये आ रहा होगा यहां पे इफ और देन तो नहीं लिखा हुआ, इफ इट इज लिखा हुआ है, तो याद रखना है इफ की एक कंडीशन है हमारे पास। इफ की क्या कंडीशन है, मैं आपको यहां पे एक टेबल दिखाना चाहूंगा। अच्छा ये देखें, यहां पे ना कुछ लिखा हुआ है वेज टू एक्सप्रेस इंप्लीकेशन स्टेटमेंट, ये सारे इंप्लीकेशन स्टेटमेंट को यूज करने के वेज हैं। हमने जो देखा है ना, हमने हम हमेशा ऐसे लिखते हैं इफ पी देन क्यू इस फॉर्म में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हम जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें हमें कुछ ऐसे नजर आ रहा है, इफ का वर्ड लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट लिखी है, इफ का वर्ड है, फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। अगर खाली इफ लिखा हो तो इसका मतलब है जो पहली स्टेटमेंट है वो क्यू है, दूसरी स्टेटमेंट पी वाली है। हमारे पास भी यही लिखा हुआ है ना, इफ का वर्ड एक दफा आ रहा है, तो हमने कहा, हमने तो पढ़ा है इफ और देन, तो ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये सारी जो चीजें लिखी है ना, ये इंप्लीकेशन की है, उन्होंने लिखा है कि इंप्लीकेशन में इस तरह भी हो सकता है, मतलब वेन एवर का अगर वर्ड आ जाए वो भी इंप्लीकेशन ही है, खाली नेसेसरी का वर्ड आ जाए वो भी इंप्लीकेशन ही है, ओनली इफ का वर्ड आ जाए वो भी इंप्लीकेशन है। इफ एंड ओनली इफ तो बाई कंडीशनल है, लेकिन अगर ओनली इफ आ जाए, तो यहां पे इफ आ रहा है तो इसका मतलब है ये इंप्लीकेशन ही है, यानी इसको हम ऐसे इंप्लीकेशन से ही, इस एरो के साइन से ही शो करेंगे। तो ये देखें, अब यहां पे यही लिखा है ना, इट इज नॉट स्नोइंग इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग, तो अब क्या है, इट इज नॉट स्नोइंग, अब नॉट स्नोइंग कहां से, ये है ना स्नोइंग, हम इसको कह लेंगे निगेशन क्यू इंप्लीकेशन और इट इज बिलो फ्रीजिंग पी, यहां पे इस तरह से पी लिख लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो बेशक ब्रैकेट में लिख लें, या इसी तरह भी रहने दे, ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, आप ये जो डिसजंक्शन का साइन है एज इट इज सारा लिखें, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप कर दें पी इंप्लीकेशन निगेशन क्यू, तो ये भी वही बात है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं क्या है, डेट इट इज बिलो फ्रीजिंग इज नेसेसरी एंड सफिशियंट फॉर इट इज टू बी स्नोइंग, नेसेसरी एंड सफिशियंट का वर्ड यूज हो गया है, ये बाई कंडीशनल के लिए यूज होता है। जब हमने बाई कंडीशनल पढ़ा था तो उसमें बॉटम में जब मैंने आपको ये बाई कंडीशनल के बारे में बताया था, नीचे दो तीन कंडीशंस और भी लिखी थी, मैंने कहा था इसको हम बाद में देखेंगे, हमने तो बाई कंडीशनल को पढ़ा था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इफ एंड ओनली इफ से। तो इफ एंड ओनली इफ के अलावा ये नेसेसरी एंड सफिशियंट का भी अगर वर्ड आपको नजर आए तो ये भी बाई कंडीशनल को ही शो कर रहा होता है। डेट इट इज बिलो फ्रीजिंग यानी पी वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, पी वाली हमारे पास स्टेटमेंट है, नेसेसरी एंड सफिशियंट लिखा हुआ है तो हम बाई कंडीशनल वाला साइन यूज करेंगे, और इट फॉर इट टू बी स्नोइंग, स्नोइंग वाली क्या चीज है क्यू, हम इसको इस तरह से पी बाई कंडीशनल क्यू इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तरीका होता है हम किस तरह से जो हमारे पास प्रोपोजिशन दी जाती हैं एक जनरल लैंग्वेज में, उसको हम किस तरह से लॉजिकल कनेक्टिव की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और भी किसकी काफी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से देखें ये भी एक एग्जांपल है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस टास्क, तो आप ये भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं खुद से ही देख के इसमें क्या होगा। तो यहां पे भी वही सारी चीजें आएंगी, इफ का वर्ड होगा, कहीं इफ देन यूज हो रहा है, तो जिस तरह भी देखें यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर बट का वर्ड यूज हो रहा है, हमें पता है कि बट का वर्ड यूज हो रहा है, तो ये क्या है, कंजंक्शन होगा यहां पे। यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल पर आवर, यहां पे देखें यू ड्राइव ओवर 65 माइल पर आवर, डू नॉट ड्राइव तो हम सिंपल कह देंगे निगेशन पी है ये, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये वाले जो लेक्चर नोट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जो आपको
नीचे बॉटम में वेबसाइट का एड्रेस नजर आ रहा है, आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस टास्क हैं उसके अंदर, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी क्यूरी हो, कन्फ्यूजन हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी इसको पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला जो हमारा लेक्चर है कि किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं किसी भी हमारे पास प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होती है उसको लॉजिकल कनेक्टिव में, आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।